एक दिने गोपीनाथ निर्जन रे बसी गोपपुर कथा खोजे मन रे प्रकाशी इकु कबले मुहि रहिलि द्वारिका छखा गोपी कथा मने पड़ु अछि एका सुदामा सुबल मधु मंगल जे सखा सर्व गोपी गोपाल जे खोजुति बेका से समय नारद जे बिना वाद्य करी प्रवेश होइले जाई द्वारिकार पुरी नारद को देखि कृष्ण बोलती वचन कि कारणी महामुनि करी लगमन श्री कृष्ण का वाणी सुनी ब्रह्मा का संतति कहंती दुखित न हुए जदुपति पड़ु अछि मोर मन आज जे सकल के मनते भेट होइबो मोर सखा कुल बहु दिनु हे गोप छाड़ी आसिलेनी गोपी माने सही दिनु कांदु थिबे पुणी जदुपति थारु सुनी ब्रह्मा नंदन कहंती प्रभास यज्ञ कर आयोजन नारद कहिले तुम्हे सुन मन दी जे जहा कार्य करिब देउछि बताई त्रिभुवन निमंत्रण करिबा आंभर कुंभार सांब जांतु देव लोकपुर आउ एक कथा गोटी वासुदेव सुन नाग लोकंकु जांतु सत्व की जे पुण अवशिष्ट मर्त्य कार्य किए से करीब श्रीकृष्ण बोलती मुनि तुम्बे चलाइब एहा सुनी वासुदेव आनंद होइले जे जहा करिबा पाई समस्ते लागिले बलदेव भृत्य मानंकु संगते नेइ पूजा द्रव्य मान सबु आनिले क जाय देखि नारद जे ताहा आनंद होइले जे जहा बार आनिले सबु ठूल कले परे नारद गोपे प्रवेशी ले जाई बीणा बजांती से कृष्ण नाम गाई गाई बीणा वाद्य सुनी गोपे आश्चर्य होइले काही पाई महारुषि आसी छ बोइले नारद बोइले एबे सुन गोप सुत तुम्बंकु नेबाकु कहि छंती गोपीनाथ नंदा जे जसोदा आउ जेते का गोपाल प्रभास यज्ञ रे जाई सर्व हुओ ठूल सुनी गोपवासीकर आनंद बढ़ीला मल्ला मणि सखी सते जीवन पाइला चंद्रसेना सुनिला जे गोपर चहल समस्त गोपाल जीवे द्वारिका नगर के मंत्रे जे ताकु मु करिबी दर्शन माता भगनी माने मोर न छाड़ीबे पुण एते कही चंद्रसेना नीरव होइण एकांतरे बसी भाबु थाए घन घन शेष
समय कुटिला जे प्रवेश होइला कि करूच बसी एका वचन कहिला एने तो हो रहबारी जा राधिका सुंदरी घरु बाहरी गलाणी द्वारिका नगरी चंद्रसेना बोलू छंती मिछ कथा पुणी मोते न पचारी जीव नाही राधा रानी कुटिला कहंती तोर मुखे लाज नाही केऊ दिन तते मानी चलू थिला सेही एहा सुनी चंद्रसेन प्रज्वलित हेला यज्ञ को जाउचि जेबे देखि बि बोइला बेनी खंड करी ताकु काटिन जे देवी सन सुगाळंक मुखे नेई पकाइबि प्रथम चंद्र कथा करिली प्रकाश भावरे बणिले दिन अच्युत जे दास भावरे बणिले दिन अच्युत हे दास भावरे बणिले दिन अच्युत हे दास